हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और मैं हूं मुनीश। और दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है मार्वल स्टूडियो एवेंजर्स डैमेज कंट्रोल का वीडियो। ऑफिशियल टीज़र आया, इसका टीज़र ट्रेलर दोनों इन्होंने लिखा हुआ है। तो और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं है, एक मिनट का वीडियो है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। The world is evolving. Wakanda is looking for the most qualified recruits. To test my latest prototype design. The time is now. We need you. वापिस आ गया ना, वो जिंदा कर दिया उसको इसने। भाई दो 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 भाई। Are you ready? Let's get you suited up. Okay. Let's get you suited up. अरे यार, मुझे लगा था राहुल पापा डेली डेली दिखाई देंगे तुम्हारा आ रहा है। अरे यार, वर्चुअल रियलिटी गेम गूम वगैरह कुछ है। ओके, नहीं मूवी नहीं है ये, गेम तो ये कोई गेम है। नहीं आ रही है उनकी वर्चुअल रियलिटी उसका ये डैमेज कंट्रोल, उसका ये ट्रेलर टीज़र बनाया हुआ है यहाँ। तो हमने तो सोचा कि भाई नई मूवी आ रही है, मुझे भी यही लगा था। लेकिन ये है कि एवेंजर्स इनकी, जब भी मार्वल स्टूडियो की कोई एवेंजर्स या इनकी किसी भी हीरो की, सुपर हीरो की इनकी मूवी आती है तो पहले से माहौल सा बन जाता है, तो पता चल जाता है आपको कि कुछ आ रहा है। तो मे बी इसकी भी मूवी बना दें, ये फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज वाले कुछ भी बना सकते हैं भाई। हाँ, क्योंकि वो भाई हर बार डिफरेंट डिफरेंट कुछ नया नया ढूंढ के लाते हैं। पहले क्योंकि सबको मिला के, सारे सुपर हीरो को मिला के फिर उन्होंने एवेंजर बनाई। क्योंकि पहले एक सुपर हीरो लेके आए, फिर दूसरा लेके आए, फिर तीसरा लेके आए, फिर सबको इकट्ठा कर दिया, फिर वही चला एवेंजर्स। और एक्शन फुल मूवीज रहती हैं इनकी, सारी सारी सुपर हीरो वाली टेक्नोलॉजी का पूरा भरपूर यूज करते हैं ये, जो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी, फाइट, एक्शन, थ्रिलर सब कुछ भरा होता है, सब कुछ भरा रहता है इनकी मूवीज में। और जो भी इनके पुरानी मूवीज है, मतलब आप देख लो जो भी जब से चला आ रहा है ये, मतलब एक फैन फॉलोइंग, अलग ही फैन फॉलोइंग है इनकी। जो एवेंजर लास्ट जो एवेंजर आई थी उसकी सबसे ज्यादा चली हुई मूवी वो बन चुकी है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मतलब समझ रहे हो, एक कल्ट बन चुके हैं। आयरन मैन उसी उन्हीं को देखना चाहते हैं लोग, किसी और को पता नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं इन फ्यूचर। क्योंकि मेन चीज यार उनकी एक्टिंग और जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, यानी लगता है कि हाँ वो एक अलग ही हैं। उनको एक अलग से टोनी स्टार्क इमेज बन चुकी है उनकी, अलग से टोनी स्टार्क वही है। ऐसा लगता है वो, मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं है, वो टोनी स्टार्क ही है। रियल लाइफ में भी वो जब इंटरव्यूज देते हैं तो वैसे ही लगते हैं, वैसे लगते हैं। तो ये छोटा सा टीजर ट्रेलर था, ये मेरे ख्याल से गेम का है। और मे बी फ्यूचर में इनकी मूवी हमें देखने को मिले तो हमें इंतजार रहेगा इस चीज का, क्योंकि एवेंजर्स के पार्ट तो बनते ही हैं। बहुत सारी मूवीज इनकी पाइपलाइन में है इस टाइम, मतलब 5-6 मूवीज शायद इससे भी ज्यादा। तो ब्लैक वीडो को लेके और जो कैप्टन मार्वल वगैरह, उनकी बहुत सारी मूवीज आ रही है इनकी, तो हमें इंतजार है अगले साल इनके ट्रेलर आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये मार्वल स्टूडियोज़ की जो भी मूवीज़ हैं आपको कैसी लगती हैं, हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और साथ के साथ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, आपसे हमारी कोई भी वीडियो छूटनी नहीं चाहिए। नीचे लाइक बटन है, शेयर बटन है, लाइक करें इस वीडियो को, बताएं हमें कि आपको वीडियो हमारी ये बातें कैसी लगी जो हम आपके साथ करते रहते हैं। और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ बैठ के वीडियो देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगती हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।